पापा वापस कदो जासो। वाह मनी गया उन, वाह पापा मनी गया उन। अभी तो मैं आया उन, नहीं तो मैं तशरीफ ना टोकरा नहीं टोकरी रखी उन, ते वापस जाने नहीं पे गई उन। चला जासो तुम्हारी मुन जल्दी पे गया उन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खावर अयूब पटवार फनकार के चैनल में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। असल में आज जो हमारा टॉपिक है जी, वो है जी पटवार फनकार, यानी कि पटवार के जो इस्टेब्लिश मशहूर और काबिले इज्जत जो आर्टिस्ट हैं, आज उनको हमने टॉपिक बनाए हुए अपना। और आज जो हमारे टॉपिक का हिस्सा बने हैं वो हैं जी शहजादा अब्दुल गफ्फार। ए मारा कार नहीं उन तुन। ओए ए तुन मुन बंद कर और इसकी सियाण इथे ही जमे है। वाह ए मारा कार उन, ए मारिया रिश्तेदार उन। वाह आजा गाँव उन फूफी उन, आजा गाँव उन गदपोत्री उन। और ये शहजादा अब्दुल गफ्फार, हम इनको टिंगू कहा करते थे, और टिंगू फिर ये लफ्ज़ बीच में से निकल गया, फिर शहजादा गफ्फार हुए, फिर शहजादा गफ्फार से अब बिल्कुल शॉर्ट हो गया शहजादा। तो बाहर जासो, तो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जी, लेकिन मेरा जो है ना इस्तीफे के साथ एक वो रफड़ सा बना हुआ है। इस्तीफा कह रहा है मैं ऊपर हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो टाइम दिया है, जो फील्ड में जो एक पूरे का पूरा मकाम अपना बनाया हुआ है, वो शहजादा गफ्फार साहब ने, उसका कोई जवाब नहीं। तो जी इस्तीफा जी, आप बताएं मुझे कि आप किस एंगल से कहते हैं कि आप शहजादा गफ्फार से ऊपर हैं। ये रे गल्ली में मेरी गल सुनो, चुप करके बोलियो ना, तुसी भी ना बोलियो भी मैं दस देवाने। गफ्फार साहब, गफ्फार साहब, गफ्फार साहब उसी एक्टर अपने घर उसी है, वो उसको मशहूर है पटवार प्लस विच, जफर साहब ने जरा चैनल नहीं है पटवार प्लस, उते वो मशहूर है। मैं गया सो उते ऑडिशन देने वास्ते, उन्होंने मैं कर दिया, कहने इधर गफ्फार है बस तू निकल जा, ये मेरा चैनल है। ठीक है, वो पटवार प्लस में मशहूर नहीं है, वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है और वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड, दुबई और शारजा, यानी कि कोई ऐसा मुल्क नहीं रहा अरब और यूरोप में जहां वो परफॉर्म करके ना आए हो। और क्या कह रहे हो, उसने मेन मेन के लगे एक्टर हो सी बेटा, अपने कार हो सी इधर, मैं वहां पटवार फनकार, मैं वहां एक्टर बेटा हां बस। तीफा साहब, आप वहाँ एक्टर हैं, अभी मौजूदा भी आप वहाँ एक्टर हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब पटवार प्लस में या पटवार फनकार में मैं आपका जो कोई भी ड्रामा या कोई भी आपकी परफॉर्मेंस देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप उस बेस पे आके आप शहजादे गफ्फार को नहीं कह सकते कि वो आर्टिस्ट छोटे हैं या तुम बड़े हो। नहीं नहीं, छोटे निकल नहीं है। हाँ। वो तो शुरू होने से पहले ही मुझे जाना है। वो तो एक उनका पर्सनल जाती मैटर है ना, पर्सनल जाती मैटर नहीं है, मैं नहीं पता वो, मैं वो तू अच्छा बनकार है, वो अच्छा उसी अपनी जगह उसी है, मशहूर उसी अपनी जगह उसी, पर एक गल है वो पता के पटवार प्लस इच ना वो अपने आप ना जफर साहब जी है ना, पटवार प्लस ने जफर साहब जे जफर है सुहाबी वाला, वो तुसा चुक के रखे होया है। हां साडे जे पटवार बनकार है ना, इथे मैं वा पटवार बनकार, मैं इथे मैं वा, इथे मैं उसा नहीं आन देना, वो मैनु उथे नहीं जान देना, ते सीधी गल है संगियो। नहीं तो पटवार प्लस वाले आपको भी तो काफी रिस्पेक्ट देते हैं। हां दीदी सी ना ऑडिशन देन गया सा ना, उन्होंने कहा जाओ बच्चे चाय पी के मैं भेज देता हूं। यार मैं अभी देखे, अभी कुछ ही देर पहले मैं घर में बैठा हुआ था तो वो लाइव आप आए हुए थे अभी पटवार प्लस में ना जी। हाँ जी, लाइव तो नहीं आया सीने मन में। हाँ तो देखो, आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप अपनी जगह अपने जो है ना जोरे बाजू पे और अपनी मेहनत करके आगे आए। शहजादे की मेहनत का आपको नहीं पता, शहजादा गफ्फार ने बहुत मेहनत की हुई है और उनके क्रेडिट में बहुत सारा काम है। मैं आपको बताऊं कि मैं, मेरे वो बहुत पुराने दोस्त हैं, अगर शहजादा गफ्फार साहब हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो कम से कम 30 साल पुराना मेरा जो है ना शहजादा गफ्फार साहब से यराना है, और हम लोग इकट्ठे इस फील्ड में चलते आ रहे हैं, उन्होंने वाकई अपना एक मकाम बनाया हुआ है। जी जी जी, गफ्फार साहब श्रोता करें जी जी, वो देखते हैं जी, कभी ना कभी तो उनकी नजरों से जाएगा ना, ये जो है ना सोशल मीडिया का चैनल है और ये लाइफ टाइम के लिए होता है, जब आज आप इसके ऊपर कोई चीज भी डाउनलोड करते हो ना वो फिर इसमें पड़ी रहती है, तकने में बंदा रहे ना रहे चीजें पड़ी रहती नहीं तक रहे जी। देख, और मैं अभी झूठ बोल रहा था गफ्फार साहब, अल्लाह नहीं कसम मैं भी तुम्हारा बड़ा बड़ा फैन है, यूनुस फैन है, मैं ये भी मारे मैं गफ्फार साहब, अल्लाह नहीं कसम तुम बड़े फिट एक्टर हो,
गफ्फार साहब अगर आप सुन रहे हैं या आप हमें देख रहे हैं तो अतीफा भी समझ गया कि ये किसी वक्त भी ये प्रोग्राम जो है शहजादा गफ्फार की नजरों से गुजर सकता है, तो आया ना अपनी लैंड पे। नहीं 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 माजरा जी, गफ्फार साहब हमारी जो पटवार फनकार के लिए हमारी दुआएं चीफे के साथ भी हैं, अल्लाह ताला इसे भी कामयाब करे। और बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है, कॉमेडियन भी है, डांसर भी है, बहुत कुछ है ये। लेकिन बहुत कुछ होता है बस बहुत कुछ जो हमारा टॉपिक था पटवार फनकार का, आज शहजादा गफ्फार साहब को हमने उनको इज्जत देने की कोशिश किया, पर बताएंगे हमारे शहजादा गफ्फार के बारे में आप हमें जो है ना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है शहजादा गफ्फार, जिन्हें हम टिंगू कहते थे और आज मिठू भी कहते, आज से 26-27 साल बल्कि 28-29 साल पहले एक ड्रामा चला करता था कलियां, और उस कलियां का जो है ना जी ये कंटिन्यू हिस्सा थे, और वो 100 से ऊपर उस दौर में बहुत पुराने फनकार, बहुत पुराने। तो इस म्यूजिक में क्यों नहीं रखा ने? बस वो जब ये दुनिया फानी से कूच करेंगे तो फिर भूसा भर आ गया इनके अंदर, तो फिर हम इनको वहाँ लोग विरसा के म्यूजियम में भी लाके देंगे। अच्छा तू आज मेरे का सोना आज लगने सही रगड़ के शेव की थी यार। यही बात है। अच्छा दूसरी बात ये है जी कि म्यूजियम से मुझे याद आया कि लोग विरसा के म्यूजियम में अगर आप लोग जाए ना तो वहाँ मेरा मुजस्मा पड़ा हुआ है, मेरा फेस लगा हुआ है उस पर, और आप जब भी जाएं लाजमी देखिएगा, जब आप इंटर होते हैं तो स्टार्ट में ही आपकी मुजस्मा साजी शुरू हो जाती है। स्टार्ट में बैठे हुए हैं ही राजा, उनका मुजस्मा बना है, और वो मुजस्मा जो बना हुआ है वो थे हमारे आफ्ताब चिंगेजी, जो लोक विरसा के जितने भी वो मुजस्मे पड़े हैं उनके हाथों के बने, उन्होंने अपना फेस लगाया हुआ है। उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी लाइबा अली को उन्होंने हीर का मुजस्मा बनाया हुआ है, उसके ऊपर फेस लाइबा का लगाया है। उसके साथ आप जाएंगे ऊपर लिखा हुआ है बलोचिस्तान की लोक दास्तान है ढोला मारू, उसके ऊपर मेरा फेस लगा हुआ है। मेरे साथ एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट उस दौर में हुआ करती थी सुंबल, जिन्हें हम मिनी मिनी कहा करते थे, वो मेरे साथ ढोला के साथ जो है ना मारू का उन्होंने एक मुजस्मा उनका बना हुआ है, उनका फेस लगा हुआ है। तो जब भी आप लोग विरसा जाएं तो ये जरूर देखेंगे। और तीफा साहब आप मेरा भी मुजस्मा लगी बच्चे, आपका ऐसी कोई गल नहीं है। आपका तो मैं कोशिश करूंगा फौरन बीच में लगाऊंगा। मैं तुम दसा बकरा मंडी जिला नाला नहीं है, उस तले मेरा मुजस्मा ऐसी लगी है, सिगरेट छिक रही में। आप उसके नीचे कौन जाए आपका मुजस्मा देखने के लिए, ठीक है ना? और तीफा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और आपने आज शहजादा गफ्फार साहब मैं बहुत बड़ी तारीफ की थी, शहजादा गफ्फार साहब की फर्स्ट की तारीफ की थी। अच्छा चलें जी, ये तारीफ की है जी तीफा साहब ने, और गफ्फार साहब शहजादा गफ्फार साहब तीफे के लिए भी दुआ करें, इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ताला इसे भी ना कर और इसको भी आसमान की बुलंदियों तक लाए। तो इसी के साथ इजाजत दीजिएगा तीफे को और अपने होस्ट खावर यू को। ठीक है जी, अल्लाह वालेकुम जी, खुदा हाफिज़। ये दत्त चाहिए ना तू लाइव चलना, मैं तो मैंने भी ठोक के बीच में भी गलत करा मान गई।